हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जा की मदर जूली उसे ढूंढने पैंग के घर आ जाती है। पैंग जा की मदर को बोलती है, ये मेरा घर है, कोई सुपरमार्केट नहीं, जब मर्जी चले आए। मदर बोलती है, मैं जा को ढूंढने आई हूँ। पैंग बोलती है, आपको दिखता नहीं है आपके बेटे की कार यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो भी यहाँ नहीं है। मदर फिर भी वहाँ से जाती नहीं है। पैंग मदर पर पानी का फाउंटेन चला देती है। जा की मदर वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडपा को जा के रूम में थेट की वेडिंग रिंग मिल जाती है। तभी जा भी वहाँ आ जाता है। ग्रैंडपा जा से पूछते हैं, तुम कहाँ थे। जा उल्टा क्वेश्चन पूछता है, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा कुछ नहीं कहते तो जा बोलता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ग्रैंडपा बोलते है, जल्दी शावर लेके आना, फिर थेट के साथ मीटिंग भी करनी है। जा पूछता है, क्यों। ग्रैंडपा बताते हैं, वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है और यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली गई है। ग्रैंडपा वो रिंग जा को फेंक कर देते हैं। जा के होश उड़ जाते हैं। थेट अपनी मदर की बेकरी में काम कर रही होती है। पिंसी थेट से मिलने आती है और उसे बोलती है, मुझे पता चला तुम और जा डिवोर्स ले रहे हो, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। थेट पिंसी की बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। पिंसी बोलती है, अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी और इतनी जल्दी डिवोर्स हो गया। थेट पिंसी को बोलती है, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो, पर हो नहीं। कभी तुमने सोचा है कोई लड़का तुम्हें इंटरेस्टेड क्यों नहीं होता। पिंसी बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है डंप होने के बाद। थेट बोलती है, ये तुमने कहाँ सुन लिया कि जा मुझे छोड़ रहा है। जाकर अपनी न्यूज चेक करो, क्योंकि जा मुझे नहीं, मैं उसे छोड़ रही हूँ। पिंसी को यकीन नहीं होता, तुम जैसी लड़की जा को कैसे छोड़ सकती है। थेट बोलती है, क्यों नहीं हो सकता, जब मेरी जैसी लड़की जा से शादी कर सकती है तो उसे छोड़ भी सकती है। थेट पिंसी को सुनाती है, मुझे पता है तुम यहाँ ये कंफर्म करने आई हो कि मेरा और जा का सच में डिवोर्स हो रहा है या नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम अपने काम से काम रखो, अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे जो थोड़ी बहुत अटेंशन तुम्हें मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। पिंसी शोक हो जाती है थेट के इस नए रूप को देख कर और वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर पिंसी जा से टकरा जाती है। जा पिंसी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। पिंसी बताती है, मैं बस कुछ स्नैक्स खरीदने आई थी। और पिंसी जा को बताती है, तुम्हें थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, अभी नोंती थेट से मिलकर गया है। जाए सुनकर गुस्से में अंदर आता है। थेट जा को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। जा पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों आया होऊंगा। थेट बोलते है, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। जा बोलता है, आजकल तुम मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करती हो, तुम्हें डर लगता है तुम्हारा लवर नोंती सुन लेगा। थेट बोलते है, नोंती को बीच में इन्वॉल्व मत करो। जा बोलते है, क्यों ना करूं, पिंसी ने बताया अभी नोंती तुमसे मिलकर गया था। थेट पूछती है, तो तुम्हें उस पिंसी की बातों पर यकीन हो गया। जा पूछता है, मैं उस पर बिलीव क्यों ना करूं। थेट बोलती है, तुम स्मार्ट होते तो उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करते। जा बोलता है, तो तुम मुझे स्टूपिड कहना चाहती हो। थेट बोलती है, अगर तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो तो यहाँ से निकलो। जा थेट को हग करता है। थेट उसे छोड़ने को कहती है, अब तुम ये नहीं कर सकते। जा बोलता है, अभी मैंने डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं किया, यानी अभी हम हस्बैंड वाइफ है। थेट गुस्से में जा पर पानी गेर देती है और बोलती है, जिस दिन तुमने शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ता रखा उसी दिन तुम मेरे हस्बैंड नहीं रहे। जा बोलता है, तुम भी कम नहीं हो, मेरे पीठ पीछे तुम अपने एक्स से मिलती थी, मैं अच्छे से जानता हूँ। थेट गुस्से में कांच का ग्लास उठा लेती है, जा को मारना चाहती है पर फ्लोर पर फेंक देती है। और जा को बोलती है, तुम इसी ग्लास की तरह हो, पहले तुम मुझे कीमती लगे पर बाद में समझ में आया तुम वर्थलेस हो। जा बोलता है, अगर ऐसा है तो तुमने मेरा सरनेम अभी तक अपने नाम के पीछे क्यों लगा रखा है, डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। थेट पूछते है, बताओ किस दिन पेपर साइन करने हैं। जा बोलता है, अभी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है थेट के हाथ में डिवोर्स सर्टिफिकेट होता है और दुखी होकर बैठी होती है। ग्रैंडपा भी डिवोर्स सर्टिफिकेट देखकर दुखी हो जाते हैं और पैम खुश हो रही होती है। थेट की मदर उसे बोलती है, जितना रोना चाहती हो रो लो और अपना मन हल्का कर लो। थेट बोलती है, मुझे उस आदमी के लिए अब जितना रोना था मैं रो चुकी, अब और नहीं। मदर थेट को समझाती है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ रहने के लिए आते हैं और कुछ लोग हमें जीवन का सही पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए उन गलतियों को याद रखकर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। थेट रोते हुए मदर को हग करती है। शॉप के बाहर जा थेट को देख रहा होता है। जा भी इस डिवोर्स से दुखी होता है। जा अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर रख लेता है। नेक्स्ट डे काइतो भी थेट पर हंसने के लिए उसके पास आती है। थेट काइतो से अपना रिवेंज लेती है, उसका पैर अपने हील के नीचे दबा कर। काइतो थेट को बोलती है, मैंने सोचा था तुम वीक हो पर तुम तो लड़ना भी जानती हो। थेट बोलती है, ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करो, अच्छाई सबको भाती नहीं। थेट काइतो पर पानी भी गिराने वाली होती है। काइतो डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद थेट के पास आकर बोलती है, तुम जाको डिवोर्स क्यों देना चाहती हो। थेट बोलते है, जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया
पापा बोलते मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, टेट बोलते मैंने तुम पर ट्रस्ट किया पर तुमने भी मुझे धोखा दिया। बात थेट से माफी मांगती है पर थेट माफ नहीं करती। ग्रैंडपा थेट से मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें उसकी याद आ रही होती है। ग्रैंडपा थेट से पूछते अब तुम आगे क्या करोगी। थेट बताती है मैं फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ इसलिए फोटोग्राफी की स्टडी के लिए पैसे इकट्ठे करूंगी। ग्रैंडपा थेट को चेक देते हैं, थेट लेने से मना कर देती है। ग्रैंडपा बोलते हैं ये पैसे मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। थेट चेक एक्सेप्ट कर लेती है। थेट फोटोग्राफी की स्टडी के लिए अमेरिका चली जाती है और 6 महीने के बाद वापस थाईलैंड आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जा अपने इंश्योरेंस के एड की शूटिंग देखने के लिए नोंती के स्टूडियो में आता है। नोंती जा को बताता है इस एड की फोटोग्राफी एक नई फोटोग्राफर कर रही है, वो अभी अमेरिका से आई है और कैमरा मैन की नई असिस्टेंट है, ये फोटोग्राफर थेट ही होती है। जा थेट को देखकर शॉक हो जाता है और अकेले में एम्पुन से पूछता है थेट यहाँ क्या कर रही है। एम्पुन बोलता है मुझे क्या पता इस बारे में, ये तो तुम्हें नोंती बता सकता है। जा बोलता है छोड़ो मुझे नहीं जानना वो यहाँ कुछ भी कर रही हो। एम्पुन पूछता है तुम नहीं जानना चाहते इतने महीने थेट कहाँ थी। जा बोलता है हम अलग हो चुके हैं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। एम्पुन पूछता है तुम ये भी नहीं जानना चाहते कि नोंती और थेट का अभी कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं। जा बोलता है नहीं वो अपनी लाइफ जी रही है मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। जा वापस स्टूडियो के अंदर आता है और थेट को ढूंढने लग जाता है। थेट नहीं दिखती तो एडिटर से पूछता है कैमरामैन की असिस्टेंट कहाँ है। तभी एक लेडी वहाँ कर बताती है थेट बाहर गई है। इस लेडी का नाम वुन है और ये नोंती की कंपनी में एई मैनेजर है, जाके एड का प्रोजेक्ट भी यही देख रही होती है। वुन जा से पूछती है अगर आप कहो तो मैं थेट को अंदर बुला देती हूँ। जा बोलते कोई बात नहीं मैं तो बस ऐसे ही ढूंढ रहा था। जा वहाँ से चला जाता है। वुन नोंती की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और उसे जा और थेट के बारे में भी सब कुछ पता होता है। जा बाहर आकर थेट से टकरा जाता है, थेट नीचे गिर जाती है। जा थेट को उठाने लगता है पर थेट खुद ही उठ जाती है। जा थेट को बोलता है अगर तुम्हें चोट लगी हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। थेट बोलती है मैं ठीक हूँ। जा बोलते है पहले की तरह अपने दर्द को छुपाओ मत। थेट बोलती है मैं पहले वाली थेट नहीं हूँ इसलिए मेरी फिक्र मत करो। जा थेट का कॉन्फिडेंस देखकर शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वुन नोंती के पास आकर बताती है जा थेट को ढूंढ रहा था कहीं वो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। नोंती बोलता है वो कुछ नहीं करेगा। वुन बोलती है कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी जा की एक्स को हायर करके, क्योंकि जा हमारी कंपनी का पुराना क्लाइंट है, दोनों बार बार मिलेंगे तो जरूर कोई प्रॉब्लम होगी और इसका नुकसान हमारी कंपनी को ही होगा। नोंती जा के पास आकर पूछता है मैंने सुना है तुम थेट को ढूंढ रहे थे। जा पूछता है तुम डर गए क्या मैं फिर से उसे मना लूंगा। नोंती बताता नहीं थेट ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे उसके लिए डर नहीं लग रहा था पर मैं नहीं चाहता तुम पर्सनल मैटर और वर्क को मिक्स करो। जा बताता मैं इन सब में प्रोफेशनल हूँ मुझे वर्क और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना आता है और वैसे भी मेरा यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं तो अलग करने की जरूरत भी नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम्पुन जा के पास आकर उसे मीटिंग अटेंड करने को कहता है। जहाँ जा ही रहा होता है तभी उसे एक लड़की का कॉल आता है, इसका नाम पेट है। पेट जा को शाम को एक पब में मिलने के लिए बुलाती है। जा पेट से कुछ दिन पहले ही एक पब में मिला होता है। पेट अब्रॉड में स्टडी करती है और वेकेशन के लिए थाईलैंड आई होती है। पेट अपनी मदर को देखकर कॉल कट कर देती है। पेट की मदर और कोई नहीं पैंग होती है। पेट को अपनी मदर पैंग पसंद नहीं होती क्योंकि पैंग ने पीट को बचपन से ही अपने से दूर रखा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वुन थेट से मिलने उसकी मदर की बेकरी में आती है। वुन थेट को इनडायरेक्टली नोंती से दूर रहने को कहती है। थेट समझ जाती है वुन उससे क्या चाहती है। नोंती को पता चल जाता है वुन थेट से मिलने गई थी इसलिए उसे डांटता है। नोंती वुन को बोलता है हमारा ब्रेकअप हो चुका है तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो मेरी सिर्फ दोस्त बनकर रहो। वुन बोलते है तुम थेट से प्यार करते हो पर उसके पेरेंट्स कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर नोंती सीधा थेट के पेरेंट्स के घर आ जाता है उनसे बात करने। थेट की मदर अंदर चली जाती है। नोंती थेट के फादर को बोलता है पहले आपने मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया मैं थेट को अच्छी लाइफ नहीं दे सकता पर अब मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ खुद की कंपनी भी है। फादर पूछते तो तुम ये कहना चाहते हो ये सब तुमने थेट के लिए किया था। नोंती बताता है हाँ मैं एक चांस चाहता हूँ थेट को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ। थेट के फादर बताते हैं पर थेट अब पहले जैसी नहीं रही उसका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। नोंती बोलता है मुझे थेट के पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फादर घर के अंदर आते हैं। थेट की मदर उनसे पूछती है आपने नोंती को क्या जवाब दिया। फादर बताते हैं मैंने हाँ कर दी है पर मुझे डर है फिर से मैंने थेट के लिए कोई गलत फैसला तो नहीं ले दिया। मदर बोलती है नोंती जा से कई गुना अच्छा है वो कभी थेट को हर्ट नहीं करेगा। नोंती खुश होकर थेट के घर से जा रहा होता है। जा भी अपनी कार में वहीं बैठा होता है और नोंती को वहां से जाता हुआ देख लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।